गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। चलिए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश के आज की पहली बड़ी खबर से। फिर बड़े दैनिक मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, 14,979 नए मामले, 98 लोगों की मौत। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भाजपा को झटका, आपने मारी बाजी, सभी सीटों के परिणाम घोषित, 4 पर आप और 1 पर कांग्रेस की जीत। लखनऊ में भाजपा सांसद के बेटे पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, साले से खुद पर चलवाई गोली। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, 15 नई FIR, पुलिस को विदेश भगाने की आशंका। डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण देश में 25% बढ़ा माल भाड़ा। आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा कौशल विकास पर सेशन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना से जंग तेज, लंबी कतारों से निपटने के लिए अब निजी अस्पताल में भी बनेंगे टीकाकरण केंद्र। बुलंदशहर में 13 साल की लड़की का रेप कर घर में दफनाया आरोपी, शिमला से गिरफ्तार। मेरठ में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, दादी पोते की मौत। बुलंदशहर में सिरफरे ने पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़े से मारकर की हत्या, एक बेटी गंभीर घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक पलटने से 6 की मौत। हाथरस हत्याकांड में मुख्य आरोपी गौरव के भाजपा नेताओं संग भी फोटो वायरल, सांसद और विधायक संग सामने आई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मंझोल थाने इलाके में रुपयों के विवाद में ट्रांसपोर्टर के लापता बेटे की हत्या, नाले से मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर अब छिड़ी अधिकारों की बहस, मणिपुर में DM ने पत्रकार को भेजा नोटिस, केंद्र ने बताया अतिक्रमण सार। हाथरस गोलीकांड के आरोपी पर 1 लाख का इनाम, पीड़िता बोली डर कर जी रहे हैं हम, उसका एनकाउंटर करो। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।